पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने से बनाया जा रहा गौरव पथ एवं प्रगति पथ लगभग 4 किलोमीटर का बन रहा है। इस मार्ग पर 12 शासकीय जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय होने के बावजूद यह मार्ग अधूरे कंडीशन में है, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ठेकेदार को पूछने से बता रहा है कि पीडब्ल्यूडी हमारा पेमेंट नहीं कर रहा, इस कारण से हम नहीं बना पा रहे हैं, हमारा पेमेंट निकलेगा तब बनाएंगे जी। तो पूछने से आप लोगों को क्या क्या तकलीफ हो रही होगी? तकलीफ तो मर रहे हैं, यहाँ इतना परेशानी हो रही है, सीमेंट का डस्ट है, जा के अंदर फंसी आ रही है, तबीयत खराब हो रहा है। एक गुड्डी सोन पिपरी यहाँ क्या है, वो गिर गई, उसके 14 टांका लगे। कहा जा सकता है कि ये विभाग का गैर जिम्मेदारी कारण है और क्या है जी। तो इससे आप लोगों को तकलीफ होती होगी? तकलीफ तो बहुत होती है सर, तकलीफ क्योंकि इस मार्ग पर लगभग 15-20 शासकीय कार्यालय संचालित हैं और इसमें कार्यरत जितने कर्मचारी हैं वहाँ पर पूरा डस्ट उड़ के जाता है और उस डस्ट से काफ़ी बीमारी भी हो सकता है। कोंडागांव शहर में गौरव पथ एवं प्रगति पथ के नाम से बनाया जा रहा सड़क लगभग 4.5 किलोमीटर का था, जो कि अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। भले विलम्ब से ही, लेकिन रोड काफ़ी स्तर तक अब प्रयासरत है पूर्ण करने का काम जारी हो गया है और कम से कम जितने कार्यालय हैं, व्यवसायी हैं, इस स्तर तक जो है आगे रोड को बढ़ाया गया है, इसलिए जो है समस्याएं कम हो रही, जैसे दुर्घटनाएं हैं या फिर डस्ट जो पर्यावरण दूषित हो रहा था। इस कार्य के लिए हम प्रशासन को भी धन्यवाद देंगे और मीडिया जो इस मुद्दा को उठाया था समस्याओं को लेकर, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले तो रोड बन रहा था तो धूल इतना उड़ रहा था, इतना परेशानी था, अब तो रोड चकाचक बन गया, इसलिए मैं प्रशासन को और ठेकेदार को धन्यवाद देता हूँ और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले प्राथमिकता हम मीडिया वाले को देते हैं कि जो कि पेपर में उसने छापा और हमारे समस्या का समाधान किया, अब धूल आना बंद हो गया, दुकान में भी कोई परेशानी नहीं है, आने जाने वाले को भी कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं जो पब्लिक के लिए इतना किया। मोबाइल के जरिए हम उन्हें अवश्य धन्यवाद दे सकते हैं, पीडब्ल्यूडी SDO चौरसिया जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9425 92649। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।